ओके तो वेलकम फ्रेंड्स तो दिस इज अ स्पेशल क्लास फॉर व्हाट हैपन दिस ईयर सो डेफिनेटली यू नो देर वाज सो मच यू एंड क्राई फॉर व्हाट हैपन इन द सी सैट पेपर तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट एक तरह से सी सैट का जो पेपर था इस बार वो थोड़ी सी नाइंसाफी थी बच्चों के साथ ओके रेज योर हैंड दो फील की ना इंसाफी थी ठीक है मेरा पर्सनल ओपिनियन भी कुछ कुछ टिल्टेड है ना इंसाफी की तरफ ही बिकॉज एक्चुअली आई जस्ट गिव यू वन आइडिया कि बहुत पहले की बात है आई आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 एंड 10 व्हेन आई यूज्ड टू टीच सो आई यूज टू गो आउटसाइड डेली दैट टाइम टू मच एंड वन एरिया आई यूज टू गो वॉस छत्तीसगढ़ सो उसमें भी वहाँ पर भी पढ़ाने जाता था वहां पे भी लोग तैयारी करते हैं तो so, <coughs> वहाँ पर जाकर के आई फाउंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते थे एंड दे वर बेसिकली द ट्राइबल्स ओके आई ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ वेरी गुड टीचर जो मैं बच्चों को समझा लेता हूँ कि वॉट इज एसेंशियली जोग्राफी बट वहां पर यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों को समझाने में मेरे पसीने पसीने छूट छूट गए गए लिटरली इट वॉज लाइक कि मैं बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता बिकॉज अल्टीमेटली वो एज अ टीचर आई कैन अंडरस्टैंड वेन आई सी द फेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स तो वहां पे बच्चों को कुछ समझ में ही ना आए फिर आ, नेक्स्ट क्लास के बाद मैंने बात बात किया अल्टीमेटली आई रियलाइज कि देर इज अ डिफरेंस इन द वे द कल्चर हाउ द कल्चर इज देर लोग कैसे समझते हैं चीज़ों को तो नेक्स्ट इनफैक्ट नेक्स्ट डे ही मैंने दो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे उनको बोला कि अगर आप आ, प्रोजेक्टर नहीं लाए तो यहाँ पे बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा फ्रोम तो उन्होंने उसी दिन शाम को प्रोजेक्टर का अरेंजमेंट करवाया एंड uh, फिर रात भर बैठ करके मैंने बहुत सारी पी बनाई बहुत सारे वीडियोज सर्च किए एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे मैंने आई स्टार्ट टीचिंग तब जा कर के थोड़ा सा आई ऑल्सो फेल्ड कि बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड जो हमारा कल्चरल डिफरेंस है उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि नॉट एवरी वन कैन बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स ठीक है आई रियली फेल्ड कि देर शुड बी अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स ऑल्सो और उससे क्या हो सकता है बच्चे अच्छे हो सकते हैं मैथ्स में भी ठीक है सो मेरा भी मतलब ये आइडिया है बेसिकली कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा टफ कर दिया यूपीएससी ने और उससे पर्टिकुलरली जो एलीट सेगमेंट है एंड एलिट सेगमेंट मैन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट है काइंड ऑफ एंड वो भी उन वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है they had a better advantage. what was your opinion? so, hello, my dear friends, very, very good morning all of you. so, i am Dinesh dean's and first of all, i would like to thank sir for giving me this opportunity to interact with such bright people. so, if we talk about the cset 2023 paper, so i think in details i'll be able to take it in the slide wise also we'll discuss what was the pattern and what was the source from where most of the questions came i hope you guys have this small booklet with you in this we have given the most authentic source from where how many questions came and the material that is given here is this book this book was released Last year in October month, and 19 questions, these are they are given in front of you. You can match with the page number and the question number, my dear. Fine. So in details, I'll be taking so we will take some examples and then we'll get to know what is your present levels. I'll give you the mic now and sir will be explaining you uh, <laughs> how to deal with the paper because it's sali, it's ki so, I have number of students who are scoring above 90, and some of them are even scoring above 100 in paper 1. And some of these, if you talk about, are the ones like one of my students, he has not qualified, he missed this year the final results by 7 marks. Okay, interview? And uska number finally? एंड अल्टीमेटली दिस इयर अगेन जब उसने प्रिलिम्स लिखा तो पेपर वन में उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट सी साट हैजेक एम डाउन ठीक है सो so डेफिनेटली जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वट इज हैपन दिस एग्जामिनेशन पहले जो प्रिलिम्स होता था इट यूज टू बी अ काइंड ऑफ बैरियर अ वेरी बिग बैरियर अभी भी है लेकिन वो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस है ठीक है और ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस है ये और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया ठीक है तो इसी कंटेक्सट में दिस क्लास हैज बीन ऑर्गेनाइज सो दैट सर विल बी एबल टू गाइड यू बिकॉज द वे द क्वेश्चन आर बींग आस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अब उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि मैं लास्ट में करूंगा आई मेट सेवरल स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ये बताया कि जस्ट बिकॉज वी डिडेंट प्रिपेयर सी सैट फ्रॉम द बिगनिंग द प्रॉब्लम वॉज दैट लेटर पार्ट और उसकी वजह से हमारी पेपर वन की जो प्रिपरेशन थी वो भी सफर हुई ठीक है तो ये हमें क्या करना है अभी से इस चीज को स्टार्ट करना है ठीक है सो आई नॉट स्पेंड मोर टाइम आई जस्ट गिव द माइक टू द सर हिल बी बेटर एबल टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग टो थैंक यू सर Give me something. I need a blank slide here. Sir, blank slide. So, hello, my dear students. Now, again, before starting this session, I would like to know what is your present level. Fine. So, I will give you one question. Similar question has been asked in UPSC also earlier.

देर इज ए ब्रिज एंड दीज आर फोर फ्रेंड्स दे वांट टू क्रॉस द ब्रिज दे हैव ओनली वन टॉर्च विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ब्रिज चार लोग हैं एक टॉर्च है मैक्सिमम टू पीपल कैन वॉक ऑन द ब्रिज एट ए टाइम एक बार में मैक्सिमम चार लोग सॉरी दो लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं तो इन दिस वे इफ दे हैव टू क्रॉस द ब्रिज क्या करना पड़ेगा बेटा फर्स्ट टू पीपल विल गो and then one person will come back with the torch then two people will go one person will come back with the torch then two people will go in this way they have to cross the bridge i hope question is clear we have to find what is the minimum time in which all four will be able to cross the bridge got it repeat but there is a issue ए कैन क्रॉस द ब्रिज इन फाइव मिनट्स एंड बी कैन क्रॉस द ब्रिज इन सिक्स मिनट्स व्हेन ए एंड बी बोथ आर मूविंग टाइम टाइम विल विल बी बी टेकन टेकन हां जी बच्चे क्या नाम हाँ है आपका अंशुमन ए कैन क्रॉस द ब्रिज इन फाइव मिनट्स बी कैन क्रॉस द ब्रिज इन सिक्स मिनट्स इफ दीज टू आर वॉकिंग टूगेदर विच टाइम विल बी टेकन सिक्स क्लियर है ना बेटा ऐसे सोच के देखो बेटा यू आर यंग ठीक है ना आप रोड क्रॉस कर रहे हो एक वहां पे सीनियर सिटीजन है कोई यू वॉन्ट हिम ऑल्सो टू क्रॉस द ब्रिज तो आप क्या करोगे यू कैन वॉक फास्ट ही कैन वॉक स्लो तो आप क्या बोलोगे भाग अंकल भाग गया मतलब यू विल बिकम स्लो क्या करोगे यू विल बिकम स्लो एंड हु इज द स्लोअर पर्सन हुई बी इज द स्लोअर पर्सन सो वी विल टेक द टाइम टेकन बाई बी आई होप इट इज क्लियर रिपीट करता हूं क्वेश्चन दीज आर फोर पीपल ए बी सी डी They want to cross a bridge, they have only one torch which is required to cross the bridge. Maximum two people can walk on the bridge at a time, two will go, one will come back, then two will go, one will come back, like this. What is the minimum possible time in which all of them will be able to cross the bridge? I am writing the number here, the time taken by them individually, I am writing here. The moment I will write the time here, your timer will start. So, you have 120 seconds, you cannot change your answer. Please be very careful. Assume that you are sitting in the final exam and attempting it there. Okay. Individually, they can cross the bridge in 1, 2, 5, and 10 minutes. Attempt it. 4 people ABCD want to cross the bridge. They have only one torch which is required to cross the bridge. Maximum 2 people can walk on the bridge at a time. वट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच ऑल कैन क्रॉस द ब्रिज ट्वेंटी फोर वेरी गुड बेटा वट इज द गुड नेम अध्ययन वेरी गुड अध्ययन आपने एक क्वेश्चन पहले तो नहीं किया बेटा जनरली स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर पहली बार में कोई आंसर दे नहीं पाता अध्ययन हैज़ टेकन हार्डली टेन सेकेंड्स टू गिव द रोंग आंसर ठीक है ना दिस इज रॉन्ग माइ डियर ठीक है ना नाइनटीन वेरी गुड बेटा ठीक है ना नाइनटीन क्या नाम बच्चे आपका आकांक्षा वेरी गुड आकांक्षा से नाइनटीन मिनट्स अच्छा नाइनटीन तो कितनी सारी चॉकलेट्स देनी पड़ेंगे मुझे हाउ मेनी ऑफ यू गोट करेक्ट आंसर नाइनटीन स माइ डियर नाइनटीन इज द रॉन्ग आंसर फाइन आकांक्षा कैन यू एक्सप्लेन इट आकांक्षा बुरा तो नहीं लगा बेटा मतलब ठीक है ना लगना चाहिए आपको ठीक है ना बिकॉज फाइनल एग्जाम में आपने नाइनटीन दिया ठीक है ना ओके okay. <laughs> चलो एक्सप्लेन करो आकांक्षा फर्स्ट हु गो फर्स्ट ए एंड बी विल गो ओके they will take how much time a and b are going they are taking how much time two minutes okay then who will go back a will go back b will stay here a is going back so one more minute okay b has already reached there now a and c will go a and c will go they will take how much time a and c will take five minutes very good then, who will stay here? C will stay here. A will go back 1 minute. Then, then, A and D will come. A and D will come. They will take 10 minutes. So, what is the total time? How much? How much? 18. 19 are. ठीक है बट स्टिल इट इज रॉन्ग और किसी बच्चे का कम आया आंसर 19 से लेस देन 19 19 इज वन ऑफ द आंसर बट आई एम सेइंग दिस इज नॉट द लीस्ट आंसर इट मींस आंसर हैज टू बी मोर देन 19 और लेस देन 19 लेस देन 19 कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा हां सिल्क चॉकलेट ऑफर इज ओवर स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड्स यू कैन ट्राई इट हां जी बच्चे नहीं शुड आई स्टार्ट नाउ हो करें स्टार्ट फर्स्ट लेट ए एंड बी गो दे विल टेक हाउ मच टाइम थोड़ा पार्टिसिपेट करो बेटा कितना टाइम लगेगा टू मिनट्स बी विल स्टे हेयर ए विल गो बैक कितना टाइम लगेगा

And then A and B will come. A and B will come. They will take how much time? They will take 2 minutes. What is the answer? 17 17 is the right answer. बेटा कोई बच्चा हाँ जी बेटा टॉर्च थ्रो नहीं कर सकते आप समझ पा रहे ना समवन हैज टू गो विद द टॉर्च नहीं तो ए यहां पे बचा है ए, ए कैसे आएगा फिर ऐसे ना बी यहां से वैसे ही दिखा देगा टॉर्च नहीं ना समवन हैज़ टू कैरी द टॉर्च आल्सो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हम इज इट ओके अच्छा बोलो बेटा सी भी जा सकता है बेटा लेकिन टाइम को मिनिमम कराना है बेटा ऐसे तो डी भी लेके घूम सकता है टॉर्च को बट डी अगर हर बार डी टॉर्च कैरी करेगा तो टाइम विल बी मोर और लेस हमारा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन सिर्फ ये राउंड लगाना नहीं है माय क्वेश्चन इज टू मिनिमाइज द पॉसिबल टाइम चारों को यहां पे पहुंचाना है एंड इट हैज टू बी द मिनिमम पॉसिबल टाइम क्लियर है चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं दिस इज ए साइकिल माइ डियर साइकिल का फ्रंट टायर हैज ए रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड बैक साइड टायर इज है थर्टी सेंटीमीटर विच टायर विल कवर मोर डिस्टेंस ट्वेंटी वाला की थर्टी वाला विच विल कवर मोर डिस्टेंस हां जी बेटा थर्टी वाला ठीक है ना क्या नाम बेटा आपका प्रग प्रगति प्रगति कह रही है कि पीछे वाला टायर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर प्रगति यहां से कनॉट प्लेस तक जा रही है तो यह टायर नोएडा पहुंच जाएगा यह टायर यहीं तक पहुंचेगा ऐसा क्या विच टायर विल कवर मोर डिस्टेंस बोथ द टायर विल कवर सेम डिस्टेंस अगर यह साइकिल फाइव किलोमीटर ट्रेवल करेगी बेटा इफ द साइकिल इज ट्रेवलिंग फाइव किलोमीटर देन दिस टायर विल ट्रेवल फाइव किलोमीटर दिस टायर विल ऑल्सो ट्रेवल फाइव किलोमीटर सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा बिकॉज इट्स रेडियस इज लेस सो इट हैज टू मेक मोर रिवोल्यूशंस मोर राउंड इसे राउंड ज्यादा लगाने पड़ेंगे बेटा बट डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम इज इट ओके ठीक है चलो इफ फाइव वर्कर्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी डेज देन वन वर्कर विल टेक हाउ मच टाइम कितना सिंपल क्वेश्चन और नीचे ले आया मैं लेवल को कितना हंड्रेड डेज ओके और कोई हाँ ये करेक्ट है बेटा ठीक है ना बिकॉज फाइव वर्कर्स कैन फिनिश द वर्क इन ट्वेंटी डेज वन वर्कर विल टेक मोर टाइम वन वर्कर विल टेक मोर टाइम सो इन दिस केस वी हैव टू मल्टीप्लाई नॉट डिवाइड इज इट ओके क्लियर है तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा था बेटा कि आपका जो प्रेजेंट लेवल है मतलब लॉजिकल रीजनिंग में ठीक है ना बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरा मैथ्स वीक है मेरा मैथ्स वीक है तो स्टूडेंट्स को मैं रियलाइज कराता हूं कि बेटा मैथ्स नहीं आपकी रीजनिंग भी बेकार हो ठीक है ना चलो ठीक है ना सो मतलब आई वॉज जस्ट सीरियस ठीक है ना चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा ठीक है राइट डाउन ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद ए स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर व्ट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए आंसर बेटा फिफ्टी ठीक है ना क्या नाम बेटा आपका अनंत इधर बेटा प्रगति थी ना प्रगति आप अकेले नहीं हो ठीक है ना रियलाइज हो रहा होगा ना आपको, ठीक है ना क्या मैथमेटिक्स है इसमें हाँ जी बच्चे हा एवरेज स्पीड आंसर फिफ्टी ठीक है आप भी अकेले नहीं हो फिफ्टी इज द रॉन्ग आंसर यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ फोर्टी एंड 60 ओनली ठीक है ना स्पीड का फॉर्मुला क्या होता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन total time taken. This should be the formula. My dear, do you know the distance between A and B? क्या आपको पता है A और B के बीच का distance कितना है नहीं पता ना You can take any number, कोई भी number ले लो बेटा which is a multiple of 60 and 40 both. दोनों की table में आए so that की आप time integer निकाल पाओ कोई भी number बोलो बेटा which comes in the table of 40 and 60 both? कितना 120 टी कोई भी नंबर ले सकते हो 600. हंड्रेड सो आई एम कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस हैजन हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोमीटर सो द पर्सन हैज टू गो फ्रॉम ए टू बी वन ट्वेंटी किलोमीटर एंड ही हैज टू रिटर्न वन ट्वेंटी किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 120 किलोमीटर जाना 120 किलोमीटर वापस आना वट शुड बी द टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर आई होप इट इज क्लियर

आवर्स सो टू फोर्टी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगा है फाइव आवर्स वट शुड बी द एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज फोर्टी एट किलोमीटर पर आवर सो दिस इज टू फोर्टी अपॉन फाइव आंसर विल बी फोर्टी एट किलोमीटर पर आवर क्लियर है बच्चों सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड नाउ वंस वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड देन ओनली वी विल बी गिविंग यू द शॉर्टकट ऑल्सो ठीक है ना इसके बाद शॉर्टकट होता है इफ टू इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड विद द स्पीड ए एंड बी टू इक्वल डिस्टेंसेज हैज टू बी देयर सो कैन आई से इन दिस केस बोथ द डिस्टेंसिज आर इक्वल ए टू बी देन बी टू ए टू इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड विद द स्पीड ए एंड बी देन एवरेज स्पीड विल बी अपॉन ए प्लस बी दिस विल बी द फॉर्मूला बट दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क ऑलवेज ये तभी काम करेगा वेन बुथ द डिस्टेंसीज आर इक्वल बट दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज वर्क क्लियर है देखो बेटा आपके बार निराश मत करना ठीक है ना बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं एक क्लास में गर्ल्स का एवरेज वेट इज 50 के जी एंड बॉयज का एवरेज वेट इज 70 के जी वट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 50 के जी एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 70 के जी वट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास आंसर होगा जैसे कि इन बच्चियों ने इतना जल्दी बता दिया सिक्सटी ठीक है ना मतलब लास्ट ईयर ठीक है ना लास्ट ईयर क्या हुआ स्टूडेंट टू मी एंड वो कह रहे कि सर सी सेट के लिए है ना टाइम नहीं दे पा रहे हैं ठीक है ना तो ये बात मैंने यूपीएससी तक पहुंचा दी ठीक है ना कि इन बच्चों के पास सी सेट के लिए टाइम नहीं था तो उन्हें अब एक साल का टाइम मिला समझ पा रहे हो ना ठीक है ना बेटा यूपीएससी ने क्लियर कट मैसेज भेजा है दे आर डिवोटिंग टाइम टू प्रिपेयर द पेपर पेपर सेट करने में उन्हें टाइम लगता है और बच्चे के पास टाइम नहीं था तो बोले बेटा एक साल का टाइम दे दिया चलो कोई दिक्कत नहीं अब ट्राई करके देखो ठीक है ना मुझे लगता है हाँ बेटा पेन फील होता है देर देर इज वन ऑफ माई स्टूडेंट मैं नाम नहीं ले सकता इसी साल वो सिलेक्टेड है ठीक है ना ही इज एन आई बट सी सेट को हल्के में ले लिया समझ पा रहे हैं ना तो पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ आई आर एस सो इफ यू वॉच माई वीडियो ऑल्सो ठीक है ना प्रीवियस उनमें मैंने एक डेज का ऐसे हेडिंग मिलेगा दिनेश कौशिक के नाम से कि हाउ टू क्रैक सी सेट इन ट्वेंटी डेज ठीक है ना ट्वेंटी यहाँ पे बैनर अभी भी लगे हुए हैं वो ठीक है ना इन दैट वीडियो सेवेंथ अप्रैल का वीडियो है वो मैंने बोला था कि फाइव चैप्टर्स बेटा करके चले जाओ सिक्स चैप्टर्स मैथ्स के इफ यू वॉन्ट टू क्रैक्स यू सेट यू शुड गो फॉर फाइव चैप्टर्स फर्स्ट कौन कौन से वो फाइव चैप्टर्स बोले थे यू कैन वॉस दैट ऑल्सो आई सेट की सबसे पहले नंबर देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वो इसको फॉलो ना करे ठीक है ना बिकॉज उसके लिए आई आई डू सो मच रिसर्च ठीक है ना कि नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आ सकता है ठीक है ना यूपीएससी में यू यूज फॉर अनप्रेडिक्टेबल ठीक है ना होता है बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूं लेकिन हाँ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट देन उसके बाद हमने बोला था कि बच्चे परसेंटेज वाला चैप्टर फिनिश करना है देन एवरेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एवरेज ए एम ए अम्मा या एवरेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन अब देखो कुछ बच्चे इसी को चिपका लेंगे बेटा आपके पास तो पूरा ईयर है ठीक है ना नेक्स्ट ईयर मेरे को ब्लेम करोगे सर ने ये फाइव टॉपिक्स बोले थे लास्ट ईयर इनसे आ गया था तो इस या, इस साल क्यों नहीं आया ठीक है ना यू शुड नॉट लीव एनी टॉपिक एज ऑफ नाउ बिकॉज यू हैव सफिशियंट टाइम तो पूरा का पूरा आपको करके जाना है परसेंटेज प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एवरेज मिक्सर एंड एलिगेशन एंड देन सिंपल इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बिकॉज सिंपल इक्वेशन इज बेस ऑफ मैथमेटिक्स अगर आप ये बुक देखोगे बेटा ठीक है ना ऑलमोस्ट सभी बुक स्टोर्स पे अवेलेबल भी थी ठीक है ना इट इज रिकमेंडेड बाय मेनी आईएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स विद दिस यू विल बी गेटिंग ए स्मॉल फॉर्मुला हैंडबुक आल्सो सारे के सारे फॉर्मुलाज अगर आप ये भी पढ़ के चले जाते ना बेटा फॉर्मुला हैंडबुक भी तभी भी आपका सी सेट कहीं नहीं जाना था इस साल ठीक है ना इस फर्स्ट पेज इन बिटवीन आई हैव आप देख सकते हो किन किन लोगों ने इसको रिकमेंड किया है नितिन सांगवान लोहित मदानी आईपीएस धीरज दैया ही दया माई स्टूडेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में है बट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि भाई कहां से क्या पढ़ना है ठीक है ना दिस टेबल वॉज गिवन स्टूडेंट्स खुद से पढ़ सकते हैं इस बुक को तो इसमें लिखा हुआ था सबसे टॉप टॉपिक है नंबर सिस्टम देन ये रीजनिंग के टॉपिक्स आ गए उसके बाद मैथ्स नेक्स्ट टॉपिक इज परमोटेशन एंड कॉमिनेशन तो मैंने बोला था कि यहां तक पढ़ के चले जाओ बस इसको जस्ट डू टॉप टेन टॉपिक्स ऑफ दिस एंड दिस ईयर एक बार पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं आई होप यू हैव ऑल्सो गोन थ्रू देर वर थर्टी क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक क्यून ओमेरे ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन फ्रॉम आर सी देर आर थर्टीन क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी दिस वॉज आर सी

then permutations and combination there were 8 questions there was one question from simple and compound interest and this was purely not based upon simple and compound interest it was basically using the concept of percentages fine or you can say the percentages and one question was from time and work time and work fine

ट फॉर ऑलमोस्ट फोर्टीन ईयर्स तो ये जो चीजें है ये हमारे लिए आम बात है बेटा बच्चे को बेसिक स्टार्ट ही यहां से कराते हम ठीक है ना समी सिंह कैट लेवल का पेपर था ठीक है ना तो उस बच्चे को पता ही नहीं कि कैट का लेवल क्या है कैट यहाँ से शुरू होता है बेटा जो इस साल का पेपर था ना समनवील से आई आई टी अरे भाई कुछ भी बोल दोगे मतलब ठीक है ना चलो स्टार्ट करते बेटा सपोज यू हैव फाइव पेयर ऑफ रेड शूज फाइव पेयर ऑफ रेड शूज मीन हाउ मेनी शूज आर देर टेन शूज इसी छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड दीज टेन शूज आर पुट इन ए बॉक्स ऑल द शूज आर ऑफ सेम नंबर गोट इट सभी आठ नंबर के जूते हैं मान लिया यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड यू आर टेकिंग आउट वन शू एट ए टाइम एक एक शूज आप एक बार निकाल रहे हो

बहुत ही बढ़िया बेटा आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो नहीं है आपका नहीं लग भी नहीं रहा ठीक है ना तो कोई भी लेना देना नहीं वन बाई नाइन कैसे one by nine, मतलब जूते को काट के निकालोगे आप वन बाई बेटाइन रेशियो होता है उसको आप प्रोबेबिलिटी बोलते हो मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा अब बच्चे को मैं ये भी ड्रा सकता हूं बेटा दिस वॉज फ्रॉम परमोटेशन कॉम्बिनेशन कॉमन सेंस है बेटा वर्स्ट के सिनारियो देखो देर आर फाइव का मतलब क्या होगा वन शूज ऑफ लेफ्ट एंड वन शूज ऑफ राइट विल बी कॉल्ड एज ए पेयर तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपने जितने भी जूते निकाले सारे एक ही लेग के आगे तो पांच जूते निकालने पर गारंटी नहीं है ना तो गारंटी कब आएगी सिक्स पे आएगी अगर आप सिक्स शूज निकालोगे तो उनमें से गारंटी होगी कि एक पेयर तो कंप्लीट आ चुका होगा से नो इज इट ओके क्लियर है चलो अब फाइव पेयर ऑफ रेड रेड एंड सिक्स पेयर ऑफ ग्रीन शूज अब ब्लाइंड फोल्डेड एक एक शूज निकाल रहे हो वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ शूज यू शुड टेक आउट सच दैट यू आर श्योर दैट यू हैव पेड वन पेयर ऑफ रेड शूज वन पेयर ऑफ रेड शूज तो वर्स्ट केस देखते बेटा सबसे पहला वर्स्ट केस क्या होगा जो आपने शूज निकाले उनमें से कोई रेड है ही नहीं सारे ग्रीन आ रहे हैं तो वर्स्ट केस में कितने शूज निकाल सकते हो आप ट्वेल्व ना ठीक है ना वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं बेटा लकीस्ट केस में तो दो निकालोगे वो भी रेड के एक लेफ्ट का आ जाएगा एक राइट right का आ जाएगा बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट द सर्टेनिटी गॉट इट माइ डियर सो वर्स्ट केस सीनारियो देखते हैं र पिकिंग आउट वन शूज एट ए टाइम रेड शूज होने चाहिए उसको रेड ठीक है ना सो वर्ष इज तीन यू हैव पिक्ड ऑल दीज शूज तो कितने शूज आ गए बेटा ट्वेल्थ ना यूट्यूब पे जिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया है वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट टू शूज आएंगे दे विल बी ऑफ रेड कलर आई ऑल्सो सेट विल बी ऑफ रेड कलर बट वो रेड कलर के होंगे तो विल इट बी पेयर पेयर का मतलब दो शूज नहीं होता है पेयर का मतलब होता है एक लेफ्ट का और एक राइट right का अब इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले कर चुके हो बेटा ट्वेल्व शूज निकाल चुके हो आप तो नेक्स्ट रेड पेयर आने के लिए हाउ मेनी मोर शूज यू हैव टू टेक आउट सिक्स मोर यू हैव टू टेक आउट नॉट टू इट टू बी ट्वेल्व प्लस सिक्स आंसर विल बी एटीन गॉट इट माई डियर राइट डाउन ए प्रॉब्लम In a bag there are 5 pair of white shoes 6 pair of green shoes 8 pair of red shoes and 4 pair of black shoes In a bag there are 5 pair of white 6 pair of green 8 pair of red and 4 pair of black shoes A person is blindfolded a person is blindfolded and he is taking out one shoe at a time and he is taking out one shoe at a time what is the minimum number of shoes what is the minimum number of shoes he must take out he must take out such that such that he is sure that he has picked at least one pair of red shoes. At least one pair of red shoes. At least one pair of red shoes. What is the minimum number of shoes he must take out such that he is sure that he has picked at least one pair of red shoes? वेरी गुड स्टार्ट करें बेटा तो अब अब आपको यह समझ में आया कि नहीं क्लियर है अभी आप जाके देख सकते हो बेटा जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हो ना समझ गए हो गया आप चेक कर लेना उनके आंसर की यू कैन चेक देर वीडियो सोल्यूशन ऑल्सो ये मिस्टेक करी हुई उन्होंने एंड टीचर इज संग ऑन द बोर्ड कि बेटा एग्जाम से दो दिन पहले अगर आपने ये मेरी क्लास कर ली होती ना तो मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया था मतलब वहां भी गलत कराया था समझ पा रहे हो ना ठीक है चलो तो अभी देखते हैं रेड पेयर रेड पेयर को हम लास्ट में देखेंगे वर्स्ट के सिनारियो अदर शूज आ जाए बेटा अदर शूज कितने बनेंगे फाइव प्लस सिक्स इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन पेयर फिफ्टीन पेयर का मतलब क्या होगा थर्टी शूज सो ही टेकन थर्टी शूज इससे खराब किस्मत क्या होगी उनमें रेड आया ही नहीं फॉरगेट अबाउट द रेड पेयर क्लियर है अब आ जाते हैं रेड पे इसके बाद उन्होंने क्या किया नेक्स्ट टू शूज लेगा बच्चा तो बोथ विल बी ऑफ रेड बट विल दैट बी ए रेड पेयर नो अब इसमें भी वर्स्ट केस देखो बेटा इसमें लेफ्ट लेग के एट हैं राइट लेग के भी एट हैं दी सिक्सटीन आर रेड कलर शूज बट what will happen if all the eight the next shoes he is taking out are of the same leg to so, kitne ho jayenge wo eight agar wo eight le lega to eight can be of the same leg also so तो out of these 16 shoes how many he must take out to be sure that he has taken a pair nine तो इसमें से eight लेने पे भी ये possibility बनती है कि सभी leg, सभी shoes एक ही leg के आ जाएं। तो उसे कितने pick करने पड़ेंगे नाइन पिक करने पड़ेंगे सो आंसर विल बी थर्टी नाइन आंसर विल बी थर्टी नाइन क्लियर है बच्चों गॉट इट चलो इसको हम बोलते हैं मिसलेनियस लॉजिक है ये हम मैक्सिमम मिनिम में पढ़ाते हैं चले these are three families. a yeah, team coaching institute, these are three coaching institutes. from coaching institute a, five students appeared for the interview. from coaching institute b, eight students appeared for the interview. and from the coaching institute c, ten students appeared for the interview. how many students appeared? students appeared. 23 students appeared for the interview from these three coaching institutes what is the minimum number of selected people out of these 23 what is the minimum number of selections minimum number of selections such that such that we are sure such that we are sure that एटलीस्ट वन स्टूडेंट एट लीस्ट वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूट ईच इंस्टीट्यूट ठीक है ना अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा आप गलत बताओगे बेजती होगी तो मैं एक बता देता हूं ठीक है ना सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वट यू डू या ट्राई करना चाहोगे 19 इज द राइट आंसर क्या नाम है बेटा आपका गुरु ठीक है ना ही इज़ ऑल वेरी सी सेट गुरु ठीक है ना चल हाँ करेक्ट एक और बच्चे ने आंसर किया यहां पे टेन बताओ बेटा टेन कैसे वो टेन सभी सी के नहीं हो सकते क्या हो सकते हैं ना इज सेइंग कि टेन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा दो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि टेन स्टूडेंट गोट सेलेक्टेड एंड ऑल आर फ्रॉम सी ओनली तो ए और बी से तो कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ है तो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वट वी डू जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको साइड में रख दो अभी आप इसको साइड में रख दिया सो हाउ मेनी पीपल आर सिलेक्टेड अरे बेटा इन सबको ऐड करो कितने हो गए 18. 18 स्टूडेंट सिलेक्ट होने के बाद भी देर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बचा हुआ है से यस और नो तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा वो कहां से सेलेक्ट होगा जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट है उसी से से यस और नो सो व्हाट इज द श्योरिटी वाला नंबर कौन सा होगा बेटा एन प्लस एट और इनमें से वन एन प्लस एट प्लस वन आंसर विल बी नाइनटीन गुरु क्या यही था बेटा आंसर क्या आप समझ पा रहे हो बच्चे नाइनटीन आप जैसे मर्जी लो यहां से कितने लोग कुछ यहां से कुछ यहां से यू विल ऑलवेज गेट स्टूडेंट्स विलकम फ्रॉम ऑल द थ्री ओनली किन्हीं भी दो से नाइनटीन का सिलेक्शन नहीं कर सकते आप इज इट ओके क्लियर है कि इस साल के क्वेश्चन में आते इस साल एग्जाम में आते क्वेश्चन ठीक है ना एक और नंबर दे दो यहां पर डी दिस इज फिफ्टीन एटीन दिस इज ट्वेल्व अब बताओ बेटा वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हुक्टेड तो लास्ट में कितने बचाने हैं आपको लास्ट में कितने स्टूडेंट्स को रखना है वो आर नॉट सेलेक्टेड जो मिनिमम नंबर है ना जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें एक का सिलेक्शन करा सो टेन आर देयर तो कैन आई से इफ नाइन आर नॉट सेलेक्टेड रेस्ट एवरी वन विल बी सेलेक्टेड समझ पा रहे हो तो वट विल बी द आंसर फिफ्टीन प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व प्लस इसमें से वन आउट ऑफ दिस ओनली वन दैट विल बी द आंसर इज इट ओके सो वी आर मिनट्स तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन दिस शीट कैन समन आस्क वहां पे किसी को बुला के ले आएंगे आप अभी जो लास्ट पीपीटी थी आई वॉन्ट दैट माई डियर यू टेल मी देर आर हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ टेन टेन के कितने फैक्टर्स होंगे पहले वाला स्लाइड ओपन कर देना टेन हैज़ हाउ मेनी फैक्टर्स टेन हैज़ फोर फैक्टर्स न हाँ तो बेटा ये हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीसेट 2023 19 क्वेश्चन केम फ्रॉम 12 पेजेस ऑफ दिस बुक ऑन ठीक है ना आप रेफर कर सकते हो ठीक है ना ये बुक यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा मैं ठीक है ना नोचना नहीं है इसे ठीक है ना कि मतलब वही 12 पेजेस इसमें गायब मिले फिर ठीक है ना एंड इट इज नॉट ओनली दिस 19 क्वेश्चन ओवरऑल यू विल फाइंड 70% ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम वर

उल्टा सीधा करके देखो नाम को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए ना किसी को हाँ वेरी गुड समझ पाए आवाज सुनाई दी एक बार दोबारा बता दो बेटा हाँ और ये कौन सी है विच बुक इट इज अरे हंट ठीक है ना इट <laughs> <Got it>, ना <laughs> ठीक है ना दिस बुक हंटेड एंड नाउ For the next year, I think it will haunt the students. Out of, out of 28 questions, only one question was from this book. Very bulky book. From this book, there were only three questions. From this book, she said Brahmaster, I showed you now. There were 19 questions. Question number 15, it is example 6 of our book, page number 242. Question number 58 of the exam paper. This is question number 41 at page number 372 of our book. इससे ज्यादा ऑथेंटिक और कोई नहीं हो सकता बेटा ठीक है ना आई एल शो यू यू टेल मी कि कितना रिजेम्बलेंस भी है मैंने यह भी लिखा है बेटा दीज दीज वर वर नॉट नॉट गिवन इन बुक बुक फ्रॉम वो भी हमने लिखा है दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉज नॉट गिवन इन आवर बुक ये क्वेश्चन एग्जाम का है बेटा ये क्वेश्चन हमारी बुक में पेज नंबर 242 फोर्टी टू पे ठीक है ना डिस्कस करेंगे अच्छा लिखने के लिए आई हैव टू यूज नॉट दिस वन। हाँ, ठीक है फाइन हाँ जी बच्चो टेन हैज हाउ मेनी फैक्टर्स ज फोर फैक्टर्स वट आर दो फैक्टर्स वन टू फाइव एंड टेन ओके एवरी वन नोस ओके टेन टू द पावर फाइव हैज हाउ मैनी फैक्टर्स कितने फैक्टर्स बनेंगे बेटा सेम ही होंगे इसका फैक्टर तो हंड्रेड भी होगा बेटा इसका फैक्टर तो फिफ्टी भी होगा इट्स फैक्टर विल बी थाउजेंड ऑल्सो ठीक है ना क्लियर है चल, देखते हैं क्या करना है यू राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू यू कैन नोट इट डाउन इफ एनी नंबर कैन बी रिटर्न एज ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू वे आर ए ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स वैसा पेज ओपन कर दो एम टी एनी नंबर एन कैन बी रिटर्न एज ए टू पावर पी इन टू बी टू द पावर क्यू वे आर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स एंड पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर बेटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पतंजलि निर्मित कौन से होंगे नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स वन टू थ्री फोर दीज आर नेचुरल नंबर वट आर प्राइम नंबर हां जी बेटा आप बहुत देर से कह रहे हो कि सर मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रही बताओ बेटा वट आर प्राइम नंबर नंबर डिविजिबल बाय हां जी बेटा नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ दुनिया में कोई भी नंबर बताओ जो वन एंड इट से डिवाइड नहीं होता चलो ऐसा नंबर बताओ तो मुझे वेरी गुड बेटा उसके साथ में ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्स ओनली गट इट ठीक है ना चल सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और आई कैन से नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन थ्री फाइव सेवन नाइन होगा नाइन नहीं होगा ना? so so, जैसे आपने टेन लिखा बेटा टेन को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा 2 इन टू फाइव एनी अदर पॉसिबिलिटी नो पॉसिबिलिटी तो टू के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास टू की पावर वन और टू का पावर जीरो इफ देर टू बी ए इट हैज टू बी मैक्सिमम पावर इज टू तो टू के लिए दो पॉसिबिलिटी है बेटा टू का पावर जीरो टू का पावर वन फॉर फाइव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर टू पॉसिबिलिटी फाइव टू द पावर जीरो एंड फाइव टू द पावर वन गॉट इट एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा टू टू दावर जीरो इंटू फाइव टू द पावर जीरो इज वन टू टू दावर वन इंटू फाइव टू पावर जीरो इज टू 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 दावर जीरो अब इनका आपस में देखो बेटा टू टू दावर जीरो इंटू फाइव टू पावर वन इज फाइव टू टू दावर वन इंटू सॉरी टू टू द पावर वन इंटू फाइव टू द पावर वन यही फैक्टर्स बने थे यस और नो क्लियर है बच्चों ठीक है इफ द नंबर इज टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री टू द पावर वन इसके लिए कितने ऑप्शन बनेंगे आपके पास फोर ऑप्शन बनेंगे टू टू द पावर जीरो टू टू द पावर वन टू टू द पावर टू 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 द पावर थ्री फोर दिस हाउ मेनी ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री टू द पावर जीरो इंटू थ्री टू द पावर वन

For this, how many possibilities? Q plus 1. So, number of factors will be. So, the number of factors, number of factors will be equal to number of factors will be P plus 1 into Q plus 1. Not Carlo is it? is it okay? <coughs>

फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 120 120. 120, वन ट्वेंटी हैज हाउ मेनी फैक्टर्स तो बेटा टाइम में ब्रेक करोगे पहले यू डिवाइड बाई टू सिक्सटी टू थर्टी टू फिफ्टीन थ्री फाइव फाइव इंटू वन तो टू कितनी बार आएगा वन ट्वेंटी में टू कितनी बार आ रहा है बेटा 3 times. So, this will become 2 to the power 3. N2, three how, 3 how many times? 1 time. 3 to the power? 1. 5 how many times? 1 time. So, how many factors are there? Scale the possibilities? 4. Scale 2 possibility. For this, 2 possibility. How many factors? How many factors? 16 factors. 120 will have 16 factors. कोई दिक्कत यहां तक इज इट ओके ठीक है बच्चे आपको नहीं लगता कि अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि 10 के कितने फैक्टर्स होंगे तो आपकी इंसल्ट होगी छोटे बच्चों से पूछते हैं क्वेश्चंस तो ठीक है ना सो so, 10 has how many factors? छोटी क्लास के बच्चों से पूछते हैं तो उन्होंने आपकी इज्जत भी रख ली और बेइज्जती भी कर दी ठीक है ना कैसे पूछा एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करेंगे हम आर सेइंग सपोज मैं और बड़ा नंबर लिख देता हूं फाइव एक्स की पावर थ्री प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस टेन वेन दिस नंबर डिवाइडेड बाई एक्स

अपॉन एक्स तो एक्स ने तो चले जाना है यहां से कैंसिल आउट करो ठीक है ना सो दिस विल बी फाइव एक्स स्क्वायर सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा नाइन एक्स प्लस सेवनटीन प्लस टेन अपॉन एक्स ओके एक्स अगर इंटीजर होगा तो फाइव एक्स स्क्वायर विल इट बी इंटीजर यस विल दिस बी इंटीजर यस इंटीजर यस yes. ये इंटीजर कब होगा वेन टेन इज डिवाइडेड बाई एक्स और एक्स क्या हो सकता है एक्स हैज टू बी ए फैक्टर ऑफ टेन तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है टेन हैज हाउ मैनी फैक्टर्स टेन हैज हाउ मैनी फैक्टर्स इज इट ओके ठीक है स्लाइड शो कर देना वही वाला तो ये अपनी बुक का क्वेश्चन है बेटा पहले ये वाला ट्राई करें ट्राई दिस वन अच्छा पहले अगर ये क्वेश्चन समझ में आ तो बताओ बेटा इसमें मुझे करना क्या है वॉट एक्चुअली एग्जामिनर इज आस्किंग हेयर किसके फैक्टर पूछ रहा है ट्वेल्व ट्वेल्थ हैज हाउ मेनी फैक्टर्स ये क्वेश्चन है आप वैसे भी लिख सकते हो ट्वेल्व के कितने फैक्टर्स होंगे बेटा प्रगति 12 के हाउ मेनी फैक्टर्स सिक्स फैक्टर्स वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व अदरवाइज ट्वेल्व को कैसे लिख दोगे बेटा टू स्क्वायर इंटू थ्री का पावर वन ट्वेल्व इज टू स्क्वायर इंटू थ्री टू द पावर वन यहां पे स्क्वायर है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज थ्री पॉसिबिलिटीज हेयर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज टू सो थ्री इंटू टू दैट इज द आंसर यही वाला क्वेश्चन सी सेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में क्या निकालना है हमें नाइनटी सिक्स हेज हाउ मेनी फैक्टर्स अटेंट इट कट हाँ जी बच्चो आंसर विल बी ट्वेल्व नाइनटी सिक्स को कैसे लिखोगे आप नाइनटी सिक्स इज इक्वल टू 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 द पावर फाइव इन टू थ्री टू द पावर वन कुछ बच्चों से ये नहीं हुआ होगा बेटा डिवाइड बाई टू नाइंटी सिक्स टू फोर्टी एट टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेल्व से सिक्स पे जाएगा टू से थ्री पे जाएगा सो टू वन टू थ्री फोर फाइव टू टू पावर फाइव थ्री टू द पावर वन इज इट ओके ठीक है चल <laughs> इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना परसेंट सिमिलरिटी है अगर मैं परसेंटेज की बात करूं बेटा व्हाट परसेंटेज सिमिलरिटी इज देयर कितना परसेंट सिमिलरिटी ऑब्वियसली नंबर हैज टू तो बी डिफरेंट क्या मैं हंड्रेड परसेंट सिमिलरिटी बोल सकता हूं बेटा कॉन्सेप्ट में देखो हंड्रेड परसेंट सिमिलरिटी है एंड दिस क्वेश्चन वॉज नॉट गिवन इन दो बल्कि बल्कि बुक्स ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा आगे बढ़े कैसे बढ़ना बताओ एक्चुअली आई यूज ए डिफरेंट स्मार्ट बोर्ड तो हर स्मार्ट बोर्ड की फंक्शनिंग अलग अलग होती है दिस क्वेश्चन इज गिवन एट पेज नंबर थ्री सेवनटी टू इसका तो आंसर भी सेम है बेटा ये ट्वेंटी फोर इस पे भी ट्वेंटी फोर आंसर ठीक है ना इज गिवन पी क्यू आर एस टी हमने दे दिया हाँ जी यूपीसी आस्ट द रिमाइंडर वेन टू टू दावर वन नाइनटी टू इज डिवाइडेड बाई सिक्सर वट इज द रिमाइंडर वेन फोर टू द पावर थाउजेंड इज डिवाइडेड बाई सेवन पेज नंबर टू फोर्टी सेवन बाकी आप कर सकते हो बेटा ठीक है ना बिकॉज आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद यू बाकी दिखा दो एक बार बच्चों के पास तो हैं ठीक है ना सो वी एट गाइडेंस आई वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैचेस दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड देन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल बैचेस वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट टू डेज बूट कैंप ऑल्सो यहां पे दो दिन की हम फ्री क्लासेस रखेंगे नॉट एट दीज टाइमिंग्स ठीक है ना दो स्टूडेंट्स हु एक एक घंटे की दो दिन हम क्लास रखेंगे सो प्लीज गिव योर नेम एंड नंबर पे सबमिट करा दे ऑफिस में तो दो दिन की आपकी वर्कशॉप वगैरह बिकॉज आपको डेमो किस लिए होता है ठीक है ना कि ये पता करने के लिए कि भी फैकल्टी अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता वो तो मैं पढ़ाता हूं ठीक है ना तो, तो फैकल्टी को भी ये हक है ना कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ाने लायक है भी कि नहीं इट ना तो ये मेरा डेमो था अब आप लोगों का छोटा सा डेमो मैं लूंगा क्लास में एडमिशन देने से पहले आप लोगों की फीस लेने से पहले हम ये देखेंगे कि ये बच्चा मतलब हमारे पेस ऑफ टीचिंग हमारी स्टाइल ऑफ टीचिंग को मैच कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा ठीक है ना सो so, दो दिन की फ्री वर्कशॉप्स हम रखेंगे उसमें हम डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे ये देखो बेटा नीचे नीचे लाना थोड़ा देखो एक एक पेज से भर भर के क्वेश्चन आए हैं थोड़ा और नीचे करो एक बार जो ट्वेल्व पेजेज में बता रहा हूं ना हाँ थोड़ा ऊपर करो यहीं से बता दो ना मुझे कैसे करना है ओके okay. देखो टाइम यही वाला क्वेश्चन था ना अभी ठीक है ना आपको कैसे दिखाऊं पेज नंबर टू फोर्टी टू पेज नंबर टू फोर्टी टू एग्जाम्पल सिक्स आप पढ़ दो एक बार ये बच्चे मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे ना इज इट द सेम क्वेश्चन देख लो एक बार पढ़ भी लो एक बार ये नहीं है जिस पे आपने पेन रखा ये नहीं दूसरा है <laughs> यही है ना ठीक है ना क्वेश्चन भी यही है बेटा हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड करने पे 31 रिमाइंडर बचता है तो 31 को साइड में रख दोगे तो 1155 बचेगा 1155 के फैक्टर्स होने चाहिए बट 31 रिमाइंडर आ रहा है तो इट टू बी ग्रेटर फिफ्टी 1155 के वो फैक्टर्स विच आर ग्रेटर आंसर सेम कॉन्सेप्ट ट्वेल्व पेजेस से नाइनटीन क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपेंशन ये यूपीएससी का क्वेश्चन है सीसेट 2023 ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इस पेज से तीन क्वेश्चन है ठीक है ना तो बुक ऐसे नहीं छापी कि मतलब पन्ने बढ़ाने के लिए हमने बुक छापी है ठीक है ना वी कैप्टेरी कॉन्साइज यू कैन सी ताकि बच्चा पढ़े क्वेश्चन बहुत से बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम के हैं बट क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ठीक है ना एंड फ्रॉम दिस पेज ऑल्सो देर वर थ्री क्वेश्चन तो हम यहां पे भी आप लोगों के लिए कुछ बुक्स वगैरह रखवा देंगे कितने स्टूडेंट्स ने पहले ये बुक देख रखी है खरीदी क्यों नहीं थी है ठीक है तो ऐसा तो नहीं है कि ये बुक हमने बाद में छपवा दी कब कब खरीदी थी बेटा आपने प्रीलिम्स से पहले देखो मतलब प्रीलिम्स से पहले भी ये क्वेश्चन उस बुक में थे समझ पा रहा ना ऐसा नहीं है कि मतलब बाद में हमने ये क्वेश्चन लॉन्च कर दिए हो हों इट सो मेरी क्लास का थोड़ा सा टाइम हो रहा है बेटा बार बार कॉल आ चुका है कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन दोस्ट हु आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गिव योर नेम्स माय नेम इज़ दिनेश कौशिक सी यू टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो टाइमिंग्स हम बता देंगे ठीक है ना लेकिन एंट्री उन्हीं बच्चों पहले से बताना जरूरी है कि कौन कौन बच्चे हैं ठीक है ना ओके okay?